तो दोस्तों आपके कहे अनुसार हमने आप सभी लोगों के लिए रेनॉल्ट क्विड नियो टेक का फर्स्ट लुक लेकर आ चुका हूं। और आप यहां पर जो कार देख रहे हैं ये है रेनॉल्ट क्विड नियो टेक का फर्स्ट लुक जो ड्यूअल टोन कलर के साथ आता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कार पर आपको कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से फीचर आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। खास तौर पर आपको मैं बताऊं तो इस कार को जो खास तौर पर चेंजेस किए गए हैं RXL को ही अप किया गया है, यानी कि RXL और RXT के बीच का मॉडल इस कार को बनाया गया है। और आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको इस कार पर कौन कौन से खास फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में फुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कार रिव्यू आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह कार कैसी लगी, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों हम सबसे पहले इसके कार के फ्रंट लुक से बात करें तो फ्रंट लुक पे कुछ खास चेंजेस किए गए हैं जो इसके क्रोम पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि RXL वर्जन में आपको इसमें क्रोम ग्रिल देखने को नहीं मिलता है, जबकि इसके इसको न्यूटेक वर्जन में इसको फिर ऐड कर दिया गया है जो 0.8, 1.0 और ऑटोमेटिक मैनुअल सभी में आता है। इस वेरिएंट को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, एक है 0.8 लीटर का मैनुअल और 1.0 का मैनुअल और 1.0 का ऑटोमेटिक। आप इस वेरिएंट को लेना चाहते हैं तो आपको इस पर ड्यूअल कलर मिलेगा, एक है सिल्वर पर जेंसकार ब्लू कलर का आपको रूफ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक और कलर मिलेगा जो आपको मिलेगा जेंसकार ब्लू पर सिल्वर रूफ। दोस्तों इसके फ्रंट लुक की बात हो गई, इसके बाद हम इसके टायर की बात करें तो टायर पर आप सब लोग इसके व्हील को देखें तो व्हील पर कुछ खास चेंजेस किए गए हैं जो इसके व्हील कवर को किया गया है। व्हील कवर को पूरी तरह से अलॉय व्हील का लुक दिया गया है जो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके क्लाइंबर पर जो आपको टायर्स मिलता था सेम टायर इस पर दिया गया है और सेम जो व्हील कवर है वो इस पर भी दिया गया है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं इसे व्हील को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है पहले के मुकाबले, और इस कार पर 14 इंच के व्हील आते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ भी आता है। और इस व्हील का साइज आप यहां पर देख सकते हैं 165/70 R14 इंच के टायर है, और इस व्हील को काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है, पूरी तरह से अलॉय व्हील का लुक दिया गया है। इसके अलावा हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड पर आपको दोनों ही साइड पर राइट और लेफ्ट दोनों ही में यहां आपको न्यूटेक लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाता है जो इसके RXL में नहीं दिया गया है और इसके RXT में भी नहीं दिया गया है, और जो कि सिर्फ इसके न्यूटेक वेरियंट पर ही दिया गया है। इसके अलावा हम इसके रूफ़ की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक बनाया गया है जो इसके ड्यूअल टोन कलर के साथ आता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाता है। आप कहीं भी खड़ा होंगे तो ये आपको प्रीमियम फील जरूर देगा। इसके बाद जो इसका थर्ड जो चेंजेस किया गया है वो चेंजेस के इंटीरियर में किया गया है, जो मैं आपको बता दूं तो ये जो फर्स्ट थर्ड चेंजेस किया गया है वो इसके इंटीरियर पर किया गया है। अगर आप इसके डोर पर देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल सिर्फ RXL को ही वेरियंट को बढ़ाया गया है। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट व्हील यहाँ पर स्टेरिंग पर देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक जेंसकार ब्लू पर एक सिल्वर सी ग्लाइडिंग, जी हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाया गया है। आप यहाँ पर इसके स्टेरिंग को देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाया गया है इसके स्टेरिंग को, जिस पर स्टेरिंग पर आपको यहाँ पर जेंसकार ब्लू कलर की एक लाइनिंग दी गई है जो कि इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है, जो इसके RXL वेरियंट पर नहीं मिलती थी। RXL वेरियंट पर सिंपल सी ग्लोसी लुक थी, और साथ में सिल्वर ग्लाइडिंग भी दी गई है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लग्जरी आपको फील कराएगी और एक यूनिक कलर फील कराएगी, एक यूनिक कार है वो आपको फील ज़रूर करवाएगी। इसके अलावा जो सेकेंड चेंजेस किए गए हैं वो इस कार पर आपको टच स्क्रीन ऐड किया गया है जो कि RXL वेरिएंट पर पहले नहीं आता था, यानी कि RXL पर आपको टच स्क्रीन नहीं दिया गया था, जबकि इसके न्यूटेक वेरिएंट पर आपको टच स्क्रीन भी दिया गया है। इसके अलावा जो वेरिएंट चेंजेस किया गया है वो इसके गियर नॉब पर किया गया है। अगर आप इसके गियर बॉक्स को देखिए तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की ग्लाइडिंग दी गई है जो कि ब्लैक कलर के ग्लॉसी लुक के साथ आती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है और काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ लुक लगती है। और अगर आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को देखें तो वहाँ पर भी आपको सिल्वर ग्लाइडिंग दी गई है, और जो इसके चेंजेस किए गए वो ऑटोमेटिक और मैनुअल में सिर्फ दोनों ही सेम चेंजेस किए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले जो RXL वेरिएंट आता था उस पर आपको ऑक्स और USB का एक्सटर्नल माउंट नहीं दिया गया था, कार चार्जर सिर्फ आपको कार चार्जर दिया जाता था,
जबकि नियो टेक पर आपको यूएसबी और ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसके टच स्क्रीन पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं वो इसके सीट पर चेंजेस किए गए हैं, तो आइए हम आपको इसके सीट्स भी दिखा दें। तो इसके सीट को जंस्कार ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाते हुए काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों ही पर ये कलर्स दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ आती है। तो हम इसके सीट्स को भी आपको दिखा दें, काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है, जो कि काफ़ी लग्जरी आपको फील करवाएगा। इस कार पर आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, जो कि पहले भी आईएक्सएल पे नहीं था और अभी भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सी पिलर दिया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लगता है और इसके ड्यूल टोन को एक यूनिक लुक देता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यूनिक कलर दिया गया है जो दोनों को डिवाइड करता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कार का जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर भी आपको जंस्कार ब्लू कलर पर ही मिलेगा। अगर आप इसके सिल्वर कलर को लेते हैं, जो इस पर सिल्वर रूफ आता है, तो उस कार पर आपको सिल्वर कलर की स्पॉइलर मिलेगी, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको जंस्कार ब्लू कलर पर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी रेनॉल्ट क्विड नियो टेक का फर्स्ट लुक फुल डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।